मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर हुई। घटना के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में दो शूटरों को गिरफ्तार किया है और आगे की छानबीन भी जारी है। बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में शुमार था और उनके संबंध राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक थे। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। उन्होंने कांग्रेस से अपने छात्र राजनीति के करियर की शुरुआत की थी। मुंबई के एक कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद दो बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर के रूप में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद बाबा ने अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए साल 1999 में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वो चुनाव जीत भी गए। इसके बाद सिद्दीकी ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2004 और 2009 में भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। हालांकि 2014 में बीजेपी के आशीष सेलार ने उन्हें चुनाव में हराया था। बाबा सिद्दीकी एक बार के मंत्री भी रह चुके हैं। उस वक्त वो मीडिया की सुर्खियों में छा गए थे जब उन्होंने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियां शुरू की थीं। बाबा सिद्दीकी की इन पार्टियों में न केवल राजनीतिक हस्तियां बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी शरीक होने लगे। सलमान खान, शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज फिल्मी सितारे अक्सर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में नजर आते थे। बॉलीवुड और राजनीति की प्रमुख हस्तियों के साथ बाबा सिद्दीकी का करीबी रिश्ता था। खबरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान ने शनिवार को बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल कर दी और अपने शो के सेट से वो सीधा मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे। वहीं शिल्पा शेट्टी भी अपने पति राज कुंद्रा के साथ लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। उसके अलावा संजय दत्त भी बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सुनकर लीलावती अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।